गरियाबंद जिले के बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा और राजिम विधानसभा में मंगलवार को दोनों राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी ने ताकत झोंक दी। प्रचार के अंतिम दो दिन में सभी पार्टियां युद्ध स्तर पर प्रचार में लगी है। वहीं बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज कांग्रेस प्रत्याशी का प्रचार करने धवलपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और महादेव ऐप मामले को भाजपा का प्रायोजित मामला बताया। इस दौरान उन्होंने भाजपा के गढ़ में इस दफे कांग्रेस की जीत होने की बात कही है। आपको बता दें, बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा में पिछले डेढ़ दशक से भाजपा का कब्जा है। ऐसे में भाजपा के इस मजबूत गढ़ में कांग्रेस इस सीट को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। वहीं आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कांग्रेस सरकार आने पर बिंद्रा नवागढ़ में विकास करने की बात कही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है नहीं, ये सिर्फ भ्रष्टाचार का झूठा आरोप लगाते घूम रही है। जिस तरह महादेव ऐप में एक वीडियो आया, वो वीडियो प्री प्लानिंग था, सुनियोजित तरीके से उसको हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बदनाम करने के लिए प्रायोजित तरीके से उसको जारी किया गया है, ताकि भारतीय जनता पार्टी इसका चुनावी लाभ ले सके। और ये पूरा प्रायोजित अगर किया है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बिंद्रा नवागढ़ विकास के लिए क्या किया जाएगा आगे? बिंद्रा नवागढ़ के विकास के लिए यहाँ पे 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, लेकिन बिंद्रा नवागढ़ आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ पे जितना विकास होना चाहिए नहीं हो पाया। अगर हम हमारे बस्तर में देखेंगे, विकास इस 5 साल में जबरदस्त हुआ है। हम चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ के मतदाता और जनता से अपील किए कि बिंद्रा नवागढ़ में आप कांग्रेस का विधायक बनाइए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आ रही है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आएगी, बनेगी, तो निश्चित रूप से बिंद्रा नवागढ़ के विकास के लिए हमारे विधायक जब बनेंगे जनक ध्रुव जी, और छत्तीसगढ़ की हमारी कांग्रेस की सरकार बिंद्रा नवागढ़ के लिए जितना विकास के लिए पैसा हो सके उतना ज़्यादा मदद करेगी, ये मन से मैंने ऐलान किया है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।